भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी व आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैंस ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश की अनाज मंडियों में धान के सीजन 2019-20 में फर्जी सरकारी खरीद का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और आरटीआई के तथ्यों व प्राथम जांच में सामने आया है कि यह सारा घोटाला पहले से उच्च अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित था, जिसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर मात्र 90 करोड़ रुपए का दर्शाकर एक बड़े घोटाले को छिपाने की कोशिश की गई। वास्तव में यह घोटाला इतना बड़ा है कि बिहार का चारा घोटाला भी छोटा पड़ जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री जी को सबूतों सहित शिकायत पत्र भेजकर धान घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। मेरा नाम गुरनाम सिंह है और भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो धान घोटाला हुआ है उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये धान घोटाला बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है और इस ये एक सुनियोजित है, जिसमें सरकार के अधिकारी, खरीद एजेंसियों के अधिकारी, सेलर मालिक, आढ़ती सब ने मिल के ये घोटाला किया है और ये हज़ारों करोड़ का घोटाला है। इसको सुनियोजित तरीके से किया गया है, जो यहाँ पे जाली जे फार्म काटे गए, ना वो धान मंडी में आया, ना मंडी से बिका, ना सेलर में गया, लेकिन मंडी में बिका दिखा दिया, जाली उसके जे फार्म काट दिए, जाली उसका गेट पास काट दिए और उसकी पेमेंट भी सरकार से ले ली, उसकी जो कमीशन थी 2.5% की वो भी सरकार से ले ली, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार से ले लिया और उसका लेबर जो उसकी भराई की लेबर थी वो भी सरकार से ले ली और जो चावल था वो सीधा बिहार और यूपी से सीधा कुटा कटा चावल मंगाया गया और वो चावल मंगा के अपने सेलर में रख के, अपने गोदाम में रख के ये दिखा दिया गया कि ये हमने हरियाणा से धान खरीदा था, उसका चावल कूट के रखा है। तो इसमें हमने कई शिकायतें की, अभी तक उस पर कोई जांच कोई लंबी चौड़ी हुई नहीं है और अभी जो जांच हुई है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हमने 1207 सेलर पकड़े हैं जिनमें धान कम पाया गया है, वो एक घोटाले को ढकने का प्रयास है। पहली बात तो अगर कम पाया गया तो क्या उनके किसी के खिलाफ कार्रवाई की? आज तक एक आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, हमारी मूल शिकायत ये है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो चावल मंगाया गया वो हरियाणा का धान दिखा दिया गया, घोटाला तो ये है, जिसके पैसे ले लिए गए, जिसकी पेमेंट ले ली गई, जो चावल भी 4 महीने बाद देना है उसकी पेमेंट नवंबर में अक्टूबर में ले ली गई, चावल मार्च में अप्रैल में जाके देना है, तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला इस तरीके से सुनियोजित है और इसको दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बहुत बड़ा एक मैटर है, जांच का विषय। देखिए ये तो हम मंडियों में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, इसलिए हमें पता है और हमने पकड़वाया है और उसके ऊपर फिर जो 6 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी हरियाणा में, जिसमें सारे आईएएस अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उन्होंने जो एक और छूट दी वो घोटाले को दबाने का एक और प्रयास किया था हमारी शिकायत के बाद। वो के भी एक तो ये है कि हरियाणा के सरकार जो किसान थे उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उनका सारा डाटा दर्ज किया गया था, सारे उनके पूरे एड्रेस उनके लिए गए थे, लेकिन उसमें ये छूट दे दी गई क्योंकि वो घोटाला दबाना है कि अगर उत्तर प्रदेश का या दूसरे प्रदेश का किसान अगर आना चाहे तो उसको टेलीफोन पर ही उसके एंट्री कर ली गई। एक गलत, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसलिए किया गया था कि बाहर का अनाज ना बिके, और दूसरा जब घोटाला पकड़ा गया, जब हम कह रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं और फिर उनको 10 दिन की छूट दे रहे हैं कि भैया 10 दिन में अपनी चोरी सेट कर लीजिए, 10 दिन में इस घोटाले को दबाने का जो अपना आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है उसको सेट कर लीजिए, अगर कम ज़्यादा है तो उसको बराबर कर लीजिए, तो वो उसका दूसरा सबूत है। तो ये सारी चीज़ जो है एक बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ है जो हज़ारों करोड़ का है और जिसको सब मिल के खा रहे हैं और उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जी व्यापारियों से, चावल किसान के पास धान होता है
व्यापारी के पास चावल होता है, इन्होंने सीधा चावल खरीदा है, धान नहीं खरीदा है। और हमें तो ये भी आशंका है कि जो वहाँ पे चावल पीडीएस में जाता है शायद वो यहाँ पे ना आ गया हो, ये भी घोटाला हो सकता है। उसके जांच का विषय है बहुत बड़ा कि जो यूपी और बिहार के गरीब लोगों को जो पीडीएस पे जो पीले कार्डों पे बांटना था वही चावल यहाँ पे ना आ गया हो, ये भी उसमें हो सकता है, ये भी हमें आशंका है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, सभी दोषी अधिकारियों को सभी को इसमें सजा मिले, एफआईआर उनके दर्ज हो। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम एक हफ्ते बाद हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो हम उसके बाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर करेंगे कि ये सीबीआई को इसकी जांच दी जाए। इसमें सरकार ही शामिल है ये मानिए, अगर वही 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 हमें डाउट है कि जो सरकार के ही विरुद्ध एक वो बढ़ता है, सरकार के इसमें उच्च अधिकारी सरकार के इसमें नेता जहाँ पे फंसते हैं तो उसकी जांच वो नहीं करेंगे, उसको तो दबाने का प्रयास करेंगे और वही वो कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि सीबीआई को केस दिया जाए। इसमें बड़ी बात यह है कि जब अतिरिक्त सचिव ने मेरा नाम राकेश कुमार बैंस आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, इसमें बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने खुद मान लिया कि 90 करोड़ का घोटाला हो चुका है, एक भी खरीद एजेंसी के खिलाफ एक भी खरीद एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करी गई, किसी सेलर वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं करी गई, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये बड़ी विषय है कि इतना बड़ा घोटाला सरकार के सामने आने के बावजूद भी किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई ना करना सीधा सीधा ये तय करता है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है।